Audio Jungle. So now students, today I am going to start unit 13, playing with numbers, class 8th math. ये student NCERT exemplar problems है, ठीक है? उनके question है, main concept क्या है? देखिए, number can be written in general form. For example, a two digit number AB is written as AB, यानी AB को हम students कैसे लिख सकते हैं? अगर दो digit का number है, देखिए, मान लीजिए 12 दिया गया है, तो हम इसको AB भी लिख सकते हैं, AB. इस तरीके से लिख सकते। तो अब इसमें स्टूडेंट ये जो है यूनिट प्लेस होता है, ये यूनिट डिजिट होता है, और ये जो है वो टेंथ डिजिट होता है, ठीक है? ये टेंथ डिजिट होता है, ठीक है? तो दो डिजिट का नंबर यूनिट डिजिट और 10 डिजिट को मिलाकर के बनता है। अब हम 12 को कैसे लिख सकते स्टूडेंट्स? 1 × 10 + 2। तो इसी तरीके से आप ए बी को लिख सकते, क्योंकि ए बी 10 डिजिट है, 10th डिजिट है, तो इसलिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 10a + b। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट 3 डिजिट का नंबर है, देखिए ए बी सी दिया गया है, ठीक है? ये दिया गया ए बी सी, तो ये 100 प्लेस है, ए जो है वो 100 प्लेस है, बी जो है वो 10th प्लेस है, और सी जो है वो यूनिट प्लेस है। तो यहां पर ए बी सी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 100a + 10b + c, ठीक है? क्योंकि जब हम इसको देखिए, ऐसे ये नंबर लिखा है ये, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? 100, पहले हम 100 बोलते, तो यही तो है 100, 100a, तो 100, फिर 12, ठीक है? 112, ठीक है? तो 100 + 10 + 2 किसको मिलके बना है स्टूडेंट्स? 100 + 10 + 2 इन, ठीक है? तो ये जो है 100 डिजिट है, और ये 1 जो है वो 10 डिजिट है, और ये यूनिट डिजिट है, ठीक है? तो इस तरीके से कोई नंबर इस तरीके से बन रहा, तो ये जनरल फॉर्म है कि अभी केवल आपको यही समझना है कि नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या है और उसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ठीक है? तो जो ए बी है वो उसका जनरल फॉर्म है 2 डिजिट नंबर का, और एक्सपेंडेड फॉर्म है 10a + b। चलिए अब देखिए, हम पहला क्वेश्चन करते हैं, जनरलाइज फॉर्म ऑफ अ 4 डिजिट नंबर ए बी सी डी। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, दिया है ए बी सी और डी, तो देखिए ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, और ये 100 प्लेस है, और ये 1000 प्लेस है, ठीक है? ए बी डी सी, सॉरी ए बी डी सी दिया है, यहां पर है डी और यहां पर है स्टूडेंट सी। तो देखिए यूनिट प्लेस हमारा ऐसा ही रहेगा, ठीक है? 10 प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 प्लेस में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1000 प्लेस में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो 1000a 100b 10d और c, तो इस फॉर्म में जो होगा, ठीक है, वही आंसर आ जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि ये यूनिट प्लेस है सी, और ये टेंथ प्लेस है, ठीक है? हिंदी में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बोलते हैं उसको, ठीक है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या, देखिए ये कह रहा है, जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एक्स वाई इज। तो अभी अभी हमने पढ़ा था, देखिए एक्स वाई में यूनिट प्लेस जो है वो वाई है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, और एक्स जो है वो टेंथ प्लेस है, ठीक है? तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर होगा 10x + y, ठीक है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है? पहले जो नंबर लिखा वो यूनिट डिजिट है, फर्स्ट यानी y ये यूनिट डिजिट है, और ये टेंथ डिजिट है, टेंथ डिजिट में 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये कह रहा, देखिए यूजुअल फॉर्म दिया गया है, ठीक है? 1000a, यहाँ पे 100 प्लेस मिसिंग है, ठीक है? यहाँ पर 100 प्लेस मिसिंग है, ठीक है? तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा 1000a + 10b, क्योंकि जो नंबर मिसिंग होगा, ठीक है, उसको जगह पे 0 आ जाता है स्टूडेंट्स। तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए ये a हो गया, फिर 100 वाली प्लेस नहीं है, तो 0 आएगा, फिर b आएगा, फिर c आएगा, ठीक है? जैसे देखिए इस तरीके से ये दिया है, ठीक है? अब इसको आप पढ़िए, तो हम पढ़ेंगे इसको 1050
देखिए, 100 हमारे प्रोनाउंसिएशन में 100 नहीं आया, 1050, ठीक है। और अगर ये इस तरीके से, अगर इस प्लेस पे कोई नंबर दिया होता तो हम इसको क्या पढ़ते, 1200। अब प्रोनाउंसिएशन में 100 आया कि नहीं आया स्टूडेंट्स, तो 1250 इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, इसलिए उसके प्लेस पे 0 आया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल था और कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए 0 बी सी, ये सी वाला, ये ई की जगह ये सी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, देखिए 4 में ये बताया गया आपको कि लेट ए बी सी बी ए 3 डिजिट नंबर, देन ए बी सी माइनस सी बी ए इज नॉट डिविजिबल बाई। तो देखिए ए बी सी कैसा है, ए बी सी का मतलब हो गया 100A+10B, ठीक है, प्लस सी, क्योंकि और इसके बाद है सी बी ए, ठीक है। तो सी जो है ये 100 प्लेस है, तो इसको हम लिखेंगे 100C+10B+A, ये हो गया स्टूडेंट। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस माइनस, तो देखिए 10B से 10B कैंसिल हो गया। अब 100A में से A को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ गया 99A-99C, ठीक है। ये आ गया स्टूडेंट्स ABC-CBA, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसमें से 99 हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, A-C, क्योंकि इसमें ये आपको बताना है इज नॉट डिविजिबल बाई। तो देखिए 99 हमारा 9 से डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा, 33 से भी डिवाइड होगा, तो ये किससे डिविजिबल नहीं होगा, 18 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके आंसर का जो है वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाई 18, इज नॉट डिविजिबल बाई 18, ठीक है, ये 18 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट, बाकी सबसे ये डिवाइड आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, इधर जो है ये 4 तक था, अब 5 है, द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्मड बाय द डिजिट। अब एक्स वाई जेड से जितने डिजिट बनते हैं, ठीक है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो देखिए इससे एक एक्स वाई जेड बनेगा, फिर एक बनेगा वाई जेड एक्स, ठीक है, और एक बनेगा जेड एक्स वाई। ये 3 तरीके के नंबर बनेंगे स्टूडेंट्स एक्स वाई जेड को लेकर के, ठीक है, वाई जेड एक्स और जेड एक्स वाई, ये नंबर बनेंगे, ठीक है। तो अब इन नंबर को हम बना लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, फिर इनको हम सम कर देंगे। अब देखिए एक्स वाई जेड कितना होगा, ये हो जाएगा 100X+10Y+Z, ठीक है, फिर वाई जेड एक्स को मिला करके क्या बना, 100Y+10Z+X, ठीक है, फिर जेड एक्स वाई, इससे क्या बना, ये बना 100Z+10X+Y, ये बने स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब देखिए 100x एक बार आया है, 10x एक बार आया है, x एक बार आया है, तो अब अगर आप तीन इनको ऐड करोगे, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो ये आएगा कि 111x+111y, ठीक है, और प्लस 111z, ये आ जाएगा। तो इसमें से 111 कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x+y+z। अब ये पूछ रहा कि ये किससे डिवाइड होगा, इज डिविजिबल बाई, ठीक है। तो अब देखिए 111, ठीक है, अगर इसकी हम फैक्टर करें, 3 से इसको डिवाइड करें, तो ये आएगा 3 तरह का 9,
और 2 बचे 30 आधे का 37, यानी इसके फैक्टर क्या होंगे, 3 × 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो ये यहाँ पर किससे डिवाइड होगा, 37 से डिवाइड होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट सी करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये 37 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने इसके फैक्टर करके लिख दिए। अब देखिए 6th क्वेश्चन में क्या है, अ 4-डिजिट नंबर AABB इज डिविजिबल बाई 55, देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी इज आर। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है स्टूडेंट्स। देखिए AABB इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, डिविजिबल बाई 55, वो इस तरीके के दिए गए हैं कि ये 5 से डिवाइड हो। ठीक है भाई, देखिए 55 5 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ऑप्शन जो दिए गए वो 11 के अकॉर्डिंग नहीं दिए गए हैं। AABB इज डिविजिबल बाई 5, सो इट इज डिविजिबल बाई 5, सो इट इज इट इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब स्टूडेंट कोई नंबर जब 5 से डिवाइड होता है, ठीक है, तो उसके लास्ट में या तो 0 आता है, डिविजिबल बाई 5, देन क्योंकि बी पूछ रहा है AABB, तो बी लास्ट में है, ठीक है, देन इट्स जो एंड डिजिट होगा, ठीक है, या लास्ट डिजिट होगा विथ 0 और 5, या तो 0 होगा, आइदर 0 और 5, ठीक है, आइदर 0 और 5, तो देख रहे हैं 0 और 5 ऑप्शन दिख रहा है, हाँ, तो ये सी में ऑप्शन दिख रहा है हमारा, तो इसलिए इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी में ऑप्शन है 0 और 5। देखिए 7th क्वेश्चन में क्या है, लेट ए बी सी बी 3-डिजिट नंबर, देन ए बी सी बी सी ए प्लस सी ए बी इज नॉट डिविजिबल बाई। तो देखिए ये अभी अभी हमने फाइंड किया, बस वहां पे एक्स वाई जेड एक्स लिखा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने ये निकाला था, देखिए इन तीनों का जो 3 बन रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा, वहां ए बी सी लिखा है, तो ये 5 की तरह हो जाएगा, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी बराबर आ जाएगा 111 ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 की तरह है बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो देखिए यहां पर क्या मिलेगा हमें, ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी बराबर 111, और ये मिलेगा ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि वहां पर निकाल के हम बता चुके। अब इसको लिख देंगे 3 × 37 ए प्लस बी प्लस सी। तो अब ये पूछ रहा है नॉट डिविजिबल बाई, तो देखिए इससे पहले वाले ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, 37 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज नॉट डिविजिबल बाई 9, इज नॉट डिविजिबल बाई 9, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम कैसे करेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स 8 का सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए फिर वही बात आ गई, ये एक नंबर दिया गया है 4 0 B 5, ठीक है, फोर ए बी फाइव है, यहां पे 0 नहीं है स्टूडेंट्स, ए दिया गया, ये है 4AB5, ठीक है, इज डिविजिबल बाई 55। ठीक है, तो अब स्टूडेंट इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो 5 के अकॉर्डिंग नहीं, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसे किया है कि अगर ये डिविजिबल बाई 55 है तो 5 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, लेकिन यहां पर एक ही कंडीशन दी गई है, ये ऑप्शन सी है, ये 4 वाला। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सो इट इज डिविजिबल बाई, या इट इज ऑल्सो
इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 11। किससे डिवाइड होगा? 11 से डिवाइड होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है तो उसका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, यानी यहां पर हम जो डिफरेंस होता है यानी सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आता है वो स्टूडेंट या तो जीरो होगा, आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ 11, आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ 11 होता है ये, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जो ऑड प्लेसेस हैं वो ऑड प्लेसेस कौन है? फोर और बी है, ठीक है। तो फोर प्लस बी माइनस कितना, ये हो जाएगा ए प्लस फाइव। पहले हम इसको मानते हैं जीरो, ठीक है, और दूसरा हम इसको मानेंगे फोर प्लस बी माइनस ए प्लस फाइव, ठीक है। ये 11, मल्टीपल ऑफ 11 मान लो, 11 ही मान लो आप थोड़ी देर के लिए। तो देखिए फोर प्लस बी माइनस ए माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पे बी माइनस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू वन आ गया। तो ये ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट है, ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। अब अगर इस तरीके से देखिए, सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो 11 होता है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते इस तरीके से, इसकी वैल्यू निकालते, तो बी माइनस ए बराबर, छोटी से छोटी वैल्यू कितनी आती, ये आ जाती 12। बट इसमें 12 ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन वन डिजिट का दिया है, यहां पर टू डिजिट का आ रहा है, तो इसलिए ये नॉट वैलिड हो जाएगा। इस तरीके से हम नहीं उसको फाइंड कर सकते। तो ये बी वाला, इधर वाला करेक्ट है।